भारत ये जानता है, अगर निर्भरता खत्म करनी है तो भारत को खुद से ऐसे जुगाड़ करने होंगे जो वेस्टर्न देशों को टक्कर दे सके। और भारत ने समय रहते कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि जो वेस्टर्न देश भारत को अपना निवाला बनाने में लगे थे, अब भारत उन्हीं से वो सब कुछ छीन लेने वाला है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वेस्टर्न ओरिजिन एयरक्राफ्ट के मरम्मत और मेंटेनेंस करने के लिए भारत की देशी कंपनियों को शामिल करने की योजना बनाई है। इस कदम का मकसद रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और देश में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना है। और ऐसा करने से रोजगार के अवसर पैदा करने में बड़ी मदद मिल सकती है और ऐसा करने से रोजगार के अवसर पैदा करने में बड़ी मदद मिलती दिखाई देगी, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस एक ऐसा मार्केट है जो अपने आप में बड़ी क्षमता रखता है। और भारत अब इसको अच्छे से समझ चुका है, क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट अगर लिया जाता है तो आप समझ लीजिए जब तक उसकी लाइफ है तब तक पार्ट्स और कंपोनेंट और उसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि इससे ही उसकी मजबूती सुनिश्चित की जा सकेगी। और रक्षा मंत्रालय ने समय रहते अपना दांव खेल दिया है जो वेस्टर्न देशों को जरूर चुभने वाला है। और यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है कि जब कुछ वेस्टर्न ओरिजिन एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने की कगार पर हैं, और रफेल एयरक्राफ्ट जेट फ्लीट इसका एक बड़ा उदाहरण है। रफेल के अलावा अन्य विमान जिन्हें इस पहल के तहत लाया जा सकता है उनमें C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे गए अधिकांश विमानों की डिलीवरी से 5 से 7 साल के लिए शुरुआती गारंटी और समर्थन समझौते हुए थे। वहीं बात की जाए रूसी मूल के विमानों की तो भारत के पास पहले ही मरम्मत और ओवरहॉल की पूरी सुविधाएं मौजूद हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए उनके सर्विस लाइफ, उनकी मरम्मत और ओवरहॉल की वजह से उनकी लागत इनिशियल परचेज प्राइस से 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। वहीं स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करके भारत विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है, अपनी तकनीकी जानकारी बढ़ा सकता है और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी प्रस्ताव दिया गया था कि अधिग्रहित की जा रही नए सिस्टम के मेंटेनेंस और सपोर्ट में मिनिमम 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। मतलब यहाँ भारत ने मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी कि MRO हब में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं, जो वेस्ट और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बड़ा सरदर्द बनकर सामने आ सकता है।